अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैटलैब सिंबॉलिक टूलबॉक्स लेक्चर सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सिंबॉलिक वेरिएबल के बारे में, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले चलते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल के तरफ। आपने कोई भी सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसे किसी ना किसी वेरिएबल में आपको सेव करना पड़ेगा। तो लेट्स से एक्स इज़ इक्वल टू, सिंबॉलिक के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं इट इज़ SYM, देन उसके बाद ब्रैकेट्स, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर तो आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये है कि आपको हमेशा इनवर्टेड कॉमास लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ अल्फा, कि यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये सेव हो गया। और जब अगर आप राइट साइड पे वर्कस्पेस में देखें तो हमारे पास एक क्यूब की शेप में एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है। क्यूब इस बात की श्योरिटी देता है कि जो हमारा वेरिएबल डिफाइन हुआ है वो सिम्बॉलिक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि हम सेम वेरिएबल नेम को उसके अंदर सेव कर लें। लेट्स से वाई इज इक्वल टू SYM अगेन ब्रैकेट, चूँकि हम करेक्टर्स को लिख रहे हैं तो इसलिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाना पड़ेगा। वाई, तो वाई को वाई में भी स्टोर किया जाएगा। राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो वर्कस्पेस में एक वाई जो है सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन हो गया, जिसकी वैल्यू वाई है। इसी तरह हम किसी नंबर्स को भी सिंबॉलिकली सेव कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं जी को लिख लेता हूँ SYM ब्रैकेट, लेट्स से मैं 56 को सेव करना चाह रहा हूँ, और 56 चूंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसलिए उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम सेव करते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो 56 आ गई। लेकिन अगर राइट साइड पे देखें तो जी जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल है। एक और तरीका भी है कि अगर आप न्यूमेरिक और सिंबॉलिक वेरिएबल के अंदर डिफरेंस करना चाहें, लेट्स से डी इज इक्वल टू 56 मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेव होगी तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा इक्वल के राइट साइड पे होगा, लेकिन अगर कोई सिंबॉलिक वेरिएबल होगा तो उसका आंसर हमेशा लाइन के स्टार्ट से शुरू होगा। और वर्कस्पेस में अगर आप देख लें तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उसका जो सिंबल है इट इज़ अ विंडो, जबकि जो सिंबॉलिक वेरिएबल है उसका जो सिंबल है वो क्यूब है। अब मजीद जो मैटलैब के तीन वेरिएबल्स हैं सिंबॉलिक, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वेरिएबल्स, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, अगर आप मजीद इसके बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक मेरी वीडियो ऊपर देख सकते हैं आई बटन में, उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, ये तो तीनों वेरिएबल्स डिफाइन हो गए हैं, हमने कुछ पूरे का पूरा नाम भी सेव कर लिया है, कुछ शॉर्ट सेम वेरिएबल नेम को सेम वेरिएबल में सेव कर दिया है, हमने जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको भी सेव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर देखें इनका ऑपरेशन कैसे होंगे। जैसे जी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो यहाँ पर देखें इट इज़ 28। सिमिलरली अगर मैं जी को लिखता हूँ डिवाइड बाय 3, ये तो न्यूमेरिक की तरह ही आंसर है, तो यहाँ पर ये देखें 56 ओवर 3 आंसर हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आप डी को जो कि हमने न्यूमेरिक वेरिएबल लिखा हुआ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा डेसिमल फॉर्म में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में रहे तो फिर उसके लिए आपको सिंबॉलिक यूज़ करना पड़ेगा। मजीद अगर आप ज़्यादा वेरिएबल्स आपने डिफाइन करने हैं तो उसके लिए फिर आपको कमांड SYMS सिंबल्स, जो भी आपने वेरिएबल्स के नाम लिखने, जैसे मैं लिख लेता हूँ ABCEF एंड बीटा फॉर एग्जाम्पल, इसको जस्ट मैं एंटर करूँगा तो ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं ABCEF एंड बीटा, ये सारे के सारे वर्कस्पेस के अंदर डिफाइन हो जाएंगे। अब मजीद मैं इनके ऊपर आगे ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ, इनको सिम्बॉलिकली कहीं पर भी यूज़ करना है, डिवीजन में या एक्सप्रेशन के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टाइल है मीन जनरली वो हम इस स्टाइल को फोकस करते हैं, इसमें इकट्ठे जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं एक साथ ही हम डिफाइन कर लेते हैं बजाय कि हम लाइन बाय लाइन उसको डिफाइन करें। लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम नंबर्स को इसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसके अंदर नंबर्स लिखूंगा लेट्स से TQR एंड लेट्स से 56 तो ये हमें एरर दे देगा। नंबर को अगर आपने किसी सिंबॉलिक तौर पर डिफाइन करना है तो फिर हमें उसको जो ट्रेडिशनल वे है लेट्स से GH इज इक्वल टू SYM एंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। तो दैट्स 487। तो दैट्स ऑल फॉर सिंबॉलिक वेरिएबल्स। अब इन तमाम सिंबॉलिक वेरिएबल्स को अगर आप मिलाकर लिखेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन।